अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने लगे हैं राजमा। ये हमने थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा अदरक लिया है, चार पांच हरी मिर्च ली हैं और इनको हम चॉप करेंगे। दो छोटी छोटी प्याज ली हैं, एक टमाटर ली है, इनको चॉप करेंगे। तो गाइस, हमारे पास एक ये बड़ा ही खूबसूरत सा चॉपर है, छोटा सा। तो गाइस, ये बड़ा प्यारा चॉप कर दिया इसने, छोटा सा चार्जिंग वाला है। सो गाइस, अब हम इसमें प्याज चॉप करेंगे। सो गाइस, देखें प्याज कितना ज़बरदस्त चॉप किया इसने। सो गाइस, हमने लिया है छोटा प्रेशर कुकर। सो गाइस, अभी डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तकरीबन 1 चम्मच हांडी वाला। सो गाइस, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अब डालेंगे हम प्याज जो हमने चॉप किया था। तो गाइस, प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। तो गाइस, प्याज अदरक लहसुन हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। ये हमने टमाटर डाल दिया। सो गाइस, तकरीबन 300 ग्राम हमने राजमा लिया था, उसको हमने भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटा, इसको भिगो के रखा, अभी इसका पानी निकाल लेंगे। सो गाइस, तकरीबन हमारे सारे मसाले बन चुके हैं, तो अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा लीटर पानी। सो गाइस, पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है। सो गाइस, अब इसमें से डालेंगे अब राजमा जो हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था, पानी निकाल लिया है, ये अब हमने इसमें डाल दिया राजमा। अब इसको जो हम सा थोड़ा सा पकाएंगे। तो गाइस, इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए जो सा ना सीटी लगा के रखेंगे। ये हमारा कुकर है, बड़ा डिसेंट किस्म का, बड़ा डैशिंग किस्म का, इसका फटने का कोई ख़तरा नहीं होता। सो गाइस, फ्लेम जो सी है वो आपने हल्की रखनी है, हमने लगा दी है सीटी, ठीक हो गया जी। फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा हल्का। सो गाइस, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो गाइस, अभी प्रेशर खोलते हैं और चेक करते हैं और आपको बताते हैं। ज़बरदस्त हो गया गाइस। सो गाइस, राजमा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है, अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। सो गाइस, अभी हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया जो हमने खुश करके रखा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का डाल दिया है। तो गाइस, हमारा राजमा तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है, हमने डिश आउट कर लिया है, चेक करें।